एक नया एग्जाम्पल हम क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ पर क्लास टी हमने बनाया है. क्लास टी में हमारे पास एक प्रोनाम का मेथड है जिसका रिटर्न टाइप इंट है, और इस मेथड के अंदर हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है. पर क्योंकि हम जिस सीरीज़ में हम अब काम कर रहे हैं वहाँ पर हमें रिटर्न स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड के अंदर से नहीं करना है, हमें यहाँ पर कोई लोकल ब्लॉक बनाना है. पिछले एग्जाम्पल में मैंने इफ़ और एल्स के साथ ये आपको करके दिखाया था. और यहाँ पर ये मेरा टेस्ट कंडीशन है और फिर मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न. और इफ़ में जो हम टेस्ट कंडीशन लिख रहे थे और उसके ऑपरेंड कांस्टेंट थे, इवन दो इफ़ के केस में क्या हुआ, हमने एक्सपीरियंस किया कि हमें बाहर भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ा. ठीक है, लेकिन वाइल में ऐसा है क्या? वाइल में ऐसा नहीं है. वाइल में कंपाइलर इस बात को जज कर पा रहे कि कंपाइलर के अकॉर्डिंग ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है इसमें दोनों ऑपरेंड कांस्टेंट है, और वो इसको गेस कर पा रहा है कि ये तो ट्रू होगा, और ट्रू होने पर ये रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा. और क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है और गारंटीड रन होने वाला है क्योंकि टेस्ट कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमें बाहर रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ के केस में वो ऐसा जज नहीं कर पा रहा था. वहाँ पर भी सेम टेस्ट कंडीशन था, पर उसने देखा कि इफ़ का टेस्ट अगर फेल हो गया तो वहाँ पर उसने इस कांस्टेंट एक्सप्रेशन को कंसीडर नहीं किया था, पर यहाँ पर वो इस बात को कंसीडर कर लेगा. और प्रो के अंदर रिटर्न एक कंपलसरी स्टेटमेंट होना चाहिए क्योंकि हमने रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कुछ डेटा टाइप लिखा हुआ है. इस समय हमारे मेथड का रिटर्न टाइप इंट है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है. लेकिन अगर वो लोकल ब्लॉक में लिखेंगे तो क्या वो एक्सेप्टेबल है, इस पर हमारी डिस्कशन चालू है. तो मैं यहाँ पर टी डॉट जावा एग्जाम्पल को कंपाइल करके दिखाता हूँ. जावा सी टी डॉट जावा, हमने इसको कंपाइल किया, कोई इशू नहीं है. इवन मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, इसमें भी कोई इशू नहीं है. मैं इस प्रो को कॉल करता हूँ. ऐसा करने से पहले मैं इसे स्टैटिक मार्क कर देता हूँ क्योंकि मैं स्टैटिक मेथड मेन के अंदर से कॉल कर रहा हूँ, और क्योंकि प्रो हमें एक इंट वैल्यू रिटर्न करता है इसलिए मैं उस रिटर्न वैल्यू को प्रिंट भी करना चाहता हूँ. तो प्रो ने जो वैल्यू रिटर्न किया वो हम प्रिंट एलन को दे देंगे और प्रिंट उसको प्रिंट करने वाला है. और इसको हमने कंपाइल किया और हम इसको रन करने वाले हैं. आप देख सकते हैं 12 ये वैल्यू हमने रिटर्न किया था, 144 हमने कंपाइल किया, कोड में चेंज किया, रन करेंगे 144, तो ये बराबर कॉल हो रहा है और हम इसको रिटर्न कर पा रहे हैं. तुरंत आप पिछले एग्जाम्पल को एक बार देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो प्रीवियस एग्जाम्पल है वहाँ पर जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा इफ़ के अंदर तो उसने सिंपली इसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको बाहर भी एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ा. ये हमारा आर एग्जाम्पल है, पूरा सेम कोड है, बस एक डिस्कशन में हमने वाइल की जगह इफ़ लिखा हुआ है. अगर मान लेते हैं मेथड के अंदर डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं क्योंकि इफ़ के अंदर लिखा हुआ है, और तो फिर तो इफ़ का कंडीशन डिसाइड करेगा कि ये स्टेटमेंट रन होने वाला है कि नहीं. और क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट होने पर वो सिंपली रिजेक्ट कर देता है, वो चेक भी नहीं करता है कि हमारा टेस्ट कंडीशन जो है वो ट्रू होने वाला है. आप इस आर डॉट जावा को खाली कंपाइल करेंगे फेल हो जाएगा. जावा सी आर डॉट जावा को आप कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, और आपको फिर फाइनली एक स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट बाहर भी लिखना होगा. जब रन करोगे तो ऑब्वियसली क्योंकि ये टेस्ट पास होने वाला है रन टाइम पर, तो आपको 12 रिटर्न होगा. आर डॉट जावा को मैं रन करके दिखाता हूँ. तो हमने कहा आर डॉट जावा को हम यहाँ पर रन करके देखेंगे. जावा सी आर डॉट जावा हमने कंपाइल किया, जावा हमने आर क्लास को रन किया. आप देख सकते हैं 12 ये आउटपुट आए. ना हम वापस कोड में जाते हैं और यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा टी डॉट जावा है इसमें ऐसा नहीं हो रहा है. टी डॉट जावा में हमने रिटर्न स्टेटमेंट वाइल के अंदर लिखा है और ये टेस्ट कंडीशन पास होगा कि फेल होगा ये वो कंपाइल टाइम पर जज कर पा रहा है. ठीक है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है हमारे इफ़ स्टेटमेंट के केस में. इफ़ के केस में हमें रिटर्न स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रो मेथड में लिखना ही पड़ा. तो यहाँ पर मैं इस कोड को रन करता हूँ और इसको इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ. हमने कहा जावा सी टी डॉट जावा हमने कंपाइल किया और टी क्लास को हमने रन किया 144. अब हम यही एग्जाम्पल ग्रेटर देन साइन के साथ ट्राई करेंगे, यानी कि टेस्ट कंडीशन फेल होने के लिए हम इसको ट्राई करेंगे. और क्योंकि कंपाइलर बोलता है कि जो इन्वॉल्व ऑपरेंड्स हैं वो दोनों कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट्स है, और मैं उसको कंपाइल टाइम पे जज कर सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो टेस्ट फेल होने वाला है. और अगर टेस्ट फेल होने वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट अनरीचेबल है, हम इस तक कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे. दूसरी बात, इस मेथड का रिटर्न टाइप प्रॉमिस है कि हम इंट रिटर्न करेंगे, वो भी इस तरह से रिजॉल्व नहीं हो पाएगा. तो मैं इस टी डॉट जावा को सेव करता हूँ
और हम इस कोड को दोबारा कंपाइल करते हैं. मैंने टी डॉट जावा को कंपाइल किया और कंपाइलर इस बात को रियलाइज़ कर पा रहा है. यहाँ पर टू एरर्स शो हो रहे हैं. इसमें से पहला एरर है अनरीचेबल स्टेटमेंट, क्योंकि आपका अगर टेस्ट फेल होने वाला है, गारंटीड है, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन है तो गारंटीड है कि वो टेस्ट फेल होगा, तो वाइल के अंदर का कोड रन कभी नहीं हो पाएगा. दूसरी बात है कि मेथड का प्रॉमिस है कि वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, पर आपने रिटर्न स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं है. ठीक है, नाउ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो कोड है उसको हम देखेंगे. इसी का मैं कॉपी बनाता हूँ. फाइल सेव एज, हमने कहा यू डॉट जावा कोड में हमने क्लास का नाम यू लिखा हुआ है, और इस बार हम लोग प्रो नाम का जो मेथड है उसको इंटीजर पैरामीटराइज्ड हम बना देते हैं. मैंने कहा इंट ए कॉमा इंट बी, ये टू पैरामीटराइज्ड है, और हम यहाँ कंपैरिजन किसका करने वाले हैं, ए और बी को हम कंपेयर करने वाले हैं. और ए और बी का वैल्यू हम पास कैसे करेंगे, हम जहाँ पर कॉल करते हैं तब आर्ग्यूमेंट हमें पास करना है. सपोज़ हमने कहा 23 एंड कॉमा 67, तो 23 कहाँ जाके असाइन हो जाएगा, ए में, और 67 कहाँ असाइन होगा, बी में. क्या 23 इज़ लेस देन 67, ट्रू, तो फिर तो रिटर्न 144 होगा. हाँ, ये तो रन टाइम पर होगा, लेकिन कंपाइल टाइम पर कंपाइलर बोलता है कि सॉरी, आपके जो एक्सप्रेशन है उसके दोनों ऑपरेंड जो है वो वेरिएबल्स हैं. अगर इसमें से एक भी वेरिएबल होता तो भी ये प्रॉब्लम होती, क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू रन टाइम पर रिजॉल्व होगा. इसीलिए वो बोलता है कि रन टाइम पे हो सकते हैं टेस्ट फेल हो जाएगा. अगर ये मान लो टेस्ट फेल हो गया, डिपेंडिंग ऑन ए और बी का वैल्यू आपने क्या पास किया हुआ है, तो टेस्ट फेल होने का मतलब है कि ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं रन होगा, जबकि हमें कंपलसरीली में अश्योर करना है कि प्रो के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होना ही चाहिए. ठीक है, तो पहले क्या था, दोनों ऑपरेंट जो थे वो कांस्टेंट थे और इसलिए उनका रिजल्ट भी हमेशा फिक्स था, इसलिए ऐसा कोई फोर्स नहीं था. पर इस बार क्योंकि यहाँ वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू तो रन टाइम पर रियलाइज़ होगी, ये हम क्या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. तो यहाँ पर ए और बी में आप क्या रिसीव करने वाले हो वो तो रन टाइम पर समझ में आएगा, और रन टाइम पर जब हम चेक करेंगे तो ये टेस्ट फेल भी हो सकता है और पास भी. अगर फेल हो गया तो रिटर्न स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, तो और हमारे मेथड का तो प्रॉमिस है कि वो एक इंट वैल्यू रिटर्न करने वाला है. तो इस तरह से कंपाइलर बोलता है कि इस तरह का जो कोड है वो फेल हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल एरर के चांसेस हैं. तो हमने कहा यू डॉट जावा को कंपाइल करो. यहाँ पर हम लोग यू डॉट जावा को कंपाइल करने वाले हैं, और आप देखेंगे एरर है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट. आपको मेथड में डायरेक्ट भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा, और आपको मालूम है कि डायरेक्ट जब भी हम लिखते हैं तो वो आपके मेथड का लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए. तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि रिटर्न कीवर्ड को हम अगर नेस्टेड ब्लॉक वाइल के अंदर से रिटर्न करते हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी. और इस वीडियो में इतना ही.